Hi everyone, welcome to the channel. So today in this video, we are going to continue further. In the last video, हमने किया था Keynesian theory of employment and output, right? और Keynesian ने एक बहुत ही interesting model दिया था जिसे हम कहते हैं effective demand theory. Those who have not seen the video, please I suggest go and just see that video, जिससे कि आपको Keynesian model समझ में आ जाएगा. क्योंकि अब जो हम कॉन्सेप्ट्स फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं वो सब Keynesian मॉडल की ही एक्सटेंशन है. Keynesian मॉडल ने बताया था कि एग्रीगेट डिमांड दो चीज़ों से बनती है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. कीप इन माइंड अभी हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी गवर्नमेंट और फॉरेन एक्सचेंज को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, राइट? वी आर ओनली इंक्लूडिंग हाउस होल्ड्स एंड द बिजनेस एंटरप्राइजेस. तो अकॉर्डिंग टू Keynes एग्रीगेट डिमांड होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. और इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन होता है? वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? आउटपुट, विच इज डिनोटेड बाय वाई एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड. और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. सो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई. यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम अटेन होता है. सो नाउ इन दिस स्लाइड, इन दिस वीडियो, वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक कंजम्पशन. अब हम आज कंजम्पशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अकॉर्डिंग टू Keynes, कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन को ऐसे डिनोट किया जाता है ए प्लस बी वाई. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इनकम 100 रुपीज़ है तो मेरा एक्सपेंडिचर शायद या मेरा कंजम्पशन शायद 80 रुपीज़ होगा. अगर मेरी इनकम 200 है तो मेरा कंजम्पशन कितना होगा? मे बी 150. तो यानी कि कंजम्पशन लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है. ऑफ कोर्स कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम. इसीलिए कंजम्पशन फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं ए प्लस बी वाई. नाउ व्हाट इज दिस ए? ये ए क्या है? ए हमें यहाँ पे दिख रहा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब है इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, अगर किसी इंसान की कोई भी इनकम नहीं है तो भी वो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा ही, बिकॉज सम कंजम्पशन इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल. चाहे वो लोन लेगा, चाहे वो स्टील करेगा, बैक करेगा, बोरो करेगा, वट एवर, बट कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ आएगा, डिमांड तो कुछ ना कुछ आएगी. सो दैट इज़ वाई ए स्टैंड्स फॉर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, विच इज़ कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. और ये बी क्या है? बी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. बेसिकली बी का मतलब है इनकम का वो कौन सा कितना पोर्शन मैं स्पेंड कर रही हूँ. जाहिर सी बात है हर पर्सन अपनी सारी इनकम स्पेंड नहीं कर देता है, वो कुछ इनकम को सेव भी करता है. अगेन एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल ऑल्सो, अगर ए की इनकम 100 रुपीज़ है और उसका एक्सपेंडिचर 80 रुपीज़ है, तो इसका मतलब वो अपनी इनकम का 80% स्पेंड करता है. इसी को कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन दिस केस विल बी 80%, और वी कैन से 0.8. इसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. लेट्स ड्रॉ द कंजम्पशन फंक्शन. कंजम्पशन फंक्शन को ग्राफ पे डिराइव करने की कोशिश करते हैं. सो हेयर आई हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे आता है लेवल ऑफ इनकम और वाई एक्सिस पे आता है कंजम्पशन. तो कंजम्पशन फंक्शन, क्योंकि मुझे पता है कि वो इनकम का फंक्शन है और मुझे पता है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा. So that means it is a positive function, and that also means कि ये upward sloping line होगी. तो consumption function को हम कुछ इस तरीके से draw करते हैं. Now you will be thinking, ये जो gap है ये क्या है? मैंने consumption line को origin से क्यों start नहीं किया? क्योंकि I have told you, zero level of income पे भी कुछ consumption होता है. Origin से start करने का मतलब है कि zero level of income पे consumption भी zero हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता. ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे कुछ तो कंजम्पशन होता है, उसी को हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन. इसीलिए आपकी कंजम्पशन लाइन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती, वो वाई इंटरसेप्ट से स्टार्ट होती है, राइट? और जो इसकी स्लोप है कि ये कितनी फ्लैटर होगी या कितनी स्टीपर होगी, ये डिपेंड करेगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे. आप अपनी इनकम का कितना परसेंट स्पेंड कर रहे हो. अगर आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत हाई है तो आपकी लाइन बहुत स्टीप होगी, यानी कि कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. और अगर आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लो है तो आपकी ये लाइन फ्लैटर होगी, यानी कि आपका कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रहा है. सो दिस इज़ हाउ वी डिनोट द कंजम्पशन लाइन, जिसे डिनोट किया जाता है ए प्लस बी वाई से. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कंजम्पशन फंक्शन.
अब कंजम्पशन फंक्शन से ही एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेविंग्स फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया है, हर इंसान अपनी इनकम का कुछ पोर्शन या तो कंज्यूम करेगा या सेव करेगा। तो जैसे हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन आता है, वैसे ही हम सेविंग फंक्शन भी निकाल सकते हैं। सो टोटल इनकम इज़ नथिंग बट कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, राइट? तो क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, यानी कि जितनी मेरी टोटल इनकम थी उसमें से कंजम्पशन रिड्यूस कर दूं तो जो बचा हुआ है दोज आर माई सेविंग्स। सो नाउ लेट्स डिराइव द सेविंग्स फंक्शन। अब हम इसी इक्वेशन की हेल्प से सेविंग्स फंक्शन को डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है y माइनस ए प्लस बी वाई। मैंने बेसिकली कंजम्पशन का जो फंक्शन जो हमने अभी पढ़ा है a प्लस बी वाई, उसको यहाँ पे लिख दिया। तो अब अगर मैं इसको y में से माइनस करूँ तो मेरे पास सेविंग्स फंक्शन कुछ ऐसा आएगा, माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई। माइनस ए क्या है? माइनस ए हो गया, रिमेंबर ए क्या था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे मैं कितना कंज्यूम कर रही हूँ। तो अगर मैं जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कुछ कंज्यूम कर रही हूँ, क्या मैं कह सकती हूँ कि ये डिस सेविंग्स हैं, ये मेरी नेगेटिव सेविंग्स हैं? यस, सो माइनस ए डिनोट्स द डिस सेविंग्स। और वन माइनस बी क्या होता है? जैसे बी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि हम अपनी इनकम का कितना परसेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वैसे ही वन माइनस बी होता है हम अपनी इनकम का कितना परसेंट सेव कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो हियर इज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल हमने लिया कि ए पर्सन अपनी 100 रुपीज़ इनकम में से 80 रुपीज़ कंज्यूम करता है, तो उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थी 0.8। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि वो 20 रुपीज़ सेव कर रहा है, तो उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी हो गई, 0.2, राइट? दिस इज हाउ वी कैन सिंपली कैलकुलेट MPS और MPC। एंड कीप इन माइंड MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और MPS यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। नाउ लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द सेविंग्स फंक्शन ऑल्सो ऑन द ग्राफ। इसको भी ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सो हेयर इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारे पास इनकम होता है, वाई एक्सिस पे अब हम कंजम्पशन और सेविंग्स दोनों चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं। सो फर्स्ट ये है हमारी कंजम्पशन लाइन, इसे हम स्टडी कर चुके हैं। ये है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी कि कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, और ये स्लोप होती है हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और कंजम्पशन फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं। इनकम लाइन हमारी, मैंने आपको बताया था, 45 डिग्री लाइन होती है। दिस इज द इनकम लाइन। अब इसी का कंपेरेटिवली सेविंग्स फंक्शन ड्रॉ करते हैं। अब ये देखिए, जो ए है कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, अगर मैंने जीरो लेवल पे भी कुछ कंज्यूम कर लिया है तो उसी को हम अपनी डिस सेविंग्स कहते हैं। तो इतना ही पोर्शन हम नीचे ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड माइनस ए, यानी कि अब मेरा सेविंग्स फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। सेविंग्स नेगेटिव पार्ट से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। और इसकी जो स्लोप होगी वो होगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, 1 माइनस बी। अब इसको स्टडी करते हैं। ये एक लाइन है, इस लाइन से पहले क्या हो रहा है, जस्ट लुक एट दिस। इस लाइन से पहले दिख रहा है कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। हेयर यू कैन सी, यहाँ पे ये है मेरी कंजम्पशन लाइन और ये है मेरी इनकम लाइन। तो दिख रहा है कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है, तो यानी कि कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। तो इस पॉइंट पे नेगेटिव सेविंग्स होंगी, क्योंकि जितना आप अर्न कर रहे हो उससे ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हो, तो सेविंग्स तो आपकी नेगेटिव हो जाएंगी। लेट्स गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। बियॉन्ड इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, अब कंजम्पशन हैज़ बिकम लेस देन इनकम। यहाँ पे देखेंगे तो कंजम्पशन इनकम से कम हो गई है, तो यहाँ पे मेरी सेविंग्स क्या हो जाएंगी, आई विल गेट पॉजिटिव सेविंग्स। अब मैं जितना अर्न कर रही हूँ उससे कम कंज्यूम कर रही हूँ, यानी कि मेरी सेविंग्स पॉजिटिव हो गई हैं। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज सी इज इक्वल टू वाई, जहाँ पे सी इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे दिख रहा है सेविंग्स विल बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमारी सेविंग्स इक्वल टू जीरो हो जाएंगी।
तो इस तरीके से हम कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन को डिराइव करते हैं और ड्रॉ करते हैं. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शंस. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. कीप सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच.